वेलकम टू सोशल। एक फिल्म के हिट होने के पीछे कई रीजंस होते हैं। अगर हम ट्रेड के पर्सपेक्टिव से बात करें तो एक अच्छी प्रमोशनल स्ट्रेटजी भी फिल्म को सक्सेसफुल बना सकती है, मगर हमने रीसेंट ईयर्स में देखा है कि कई फिल्म्स ऐसी रही हैं जिनको लेकर ऑडियंस में रिलीज होने से पहले बिल्कुल भी हाइप नहीं थी, बट जब ये फिल्म्स रिलीज हुई तो इन्होंने बॉक्स ऑफिस पर हिस्ट्री क्रिएट कर दी थी। इन आवर ओपिनियन, इन सारी फिल्म्स को पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी से बहुत हेल्प मिली थी। वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी का मतलब होता है कि फिल्म देखने के बाद लोगों ने इसे पॉजिटिव रिव्यूज दिए, जिससे और लोग भी फिल्म में इंटरेस्टेड होने लगे। इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही 10 इंडियन फिल्म्स के बारे में बताएंगे विच बिकेम अ हिट बिकॉज ऑफ पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ। दिस इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग वीडियो, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे एंड तक जरूर देखें। और मेरी अम्मी हमेशा कहा करती थी कि कभी कभी गलत ट्रेन भी सही जगह पहुंचा देती है। नंबर 10, क्वीन। 2014 में रिलीज हुई फिल्म क्वीन एक कॉमेडी फिल्म थी जहां पर लीडिंग रोल प्ले किया था एक्ट्रेस कंगना रनौत ने। फिल्म का प्लॉट काफी अनकन्वेंशनल था और इसी वजह से इंडस्ट्री के काफी लोगों को फिल्म से ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी। मैं इंडिया से रजौरी से मैं अपने हनीमून पे अकेले आई। हाउएवर जब फिल्म रिलीज हुई तो इसे ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला, जहाँ पर हर कोई फिल्म की स्टोरी से कनेक्ट कर पाया था। फिल्म को बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी मिली थी, जिसकी वजह से फिल्म ने अराउंड 97 करोड़ का बिजनेस किया था। मुझे लगता है विजय ने ना लंदन में कर लिया है। नंबर 9, कार्तिकेया 2। रिसेंटली रिलीज फिल्म कार्तिकेया 2 2014 में आई एडवेंचर फिल्म कार्तिकेया का सीक्वल है। हम फिल्म में डॉक्टर कार्तिकेया की स्टोरी देखते हैं जो कि लॉर्ड कृष्णा के लॉस्ट एंकलेट को ढूंढ रहे हैं। फिल्म को रिलीज होने के साथ ही मासेस से बहुत पॉजिटिव रिएक्शन मिला था और इसी वजह से फिल्म ने ऑल ओवर इंडिया काफी अच्छा कलेक्शन भी किया। यहाँ पर इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि फिल्म ने हिंदी बेल्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, कंसिडरिंग हिंदी सिनेमा की कई बिग बजट फिल्म्स कार्तिकेया 2 के अराउंड रिलीज हुई थी। वेल, दिस प्रूव्स कि ऑडियंस को हमें कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, एज दे कैन मेक और ब्रेक अ फिल्म। आपका कार्तिकेया 2 के सक्सेस के बारे में क्या ओपिनियन है? डू लेट अस नो इन योर कॉमेंट्स। अपनी जान खतरे में डालकर सबको बचाना चाहते हो, तुम क्या भगवान हो? नहीं, डॉक्टर हूँ। नंबर 8, बधाई हो। वी वोंट बी रॉन्ग इन सेइंग कि किसी ने नहीं सोचा होगा कि बधाई हो जैसी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ का कलेक्शन करेगी। कौशिक साहब, शक्ल से तो बड़े शरीफ लगते हैं। फिल्म को इतना हेविली प्रमोट भी नहीं किया गया था और ट्रेड एनालिस्ट का तो ये कहना था कि फिल्म शायद उतनी सक्सेसफुल ना हो, क्योंकि ये एक टाबू सब्जेक्ट के ऊपर बात करती थी। बट ऑल ऑफ दिस वॉज प्रूवन रॉन्ग, क्योंकि फिल्म रिलीज होते ही फैमिली ऑडियंस में इंस्टेंटली पॉपुलर हो गई थी। इट वॉज वर्ड ऑफ माउथ बाई दीज फैमिली ऑडियंसेस हु मेड श्योर कि इस फिल्म को ज्यादा से ज्यादा लोग देखें। आप भी हमें बताएं कि क्या आप बधाई हो की ग्रैंड सक्सेस से शॉक हुए थे? डू लेट अस नो इन द कॉमेंट सेक्शन। सब समझ आ रही, क्यों बहू का बदन टूटा करे रोज सुबह। नंबर 7, 777 चार्ली। ये एक कन्नड़ा फिल्म थी जो कि रिसेंटली ही थिएटर्स में रिलीज हुई थी। हम फिल्म में एक इंसान और एक डॉग के बीच का इमोशनल बॉन्ड देखते हैं। जब ये फिल्म रिलीज हुई तो इसे क्रिटिक्स से बहुत अच्छे रिव्यूज मिले थे, जिसकी वजह से फिल्म ऑडियंस में स्लोली पॉपुलर होना शुरू हो गई थी। फैमिली ऑडियंस इस फिल्म को देखने जाने लगी थी, जिसकी वजह से फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी बहुत स्ट्रांग हो गया था, एंड दिस रिजल्टेड इन फिल्म कलेक्टिंग मोर देन 100 करोड़ एट द बॉक्स ऑफिस। I love you too, Charlie. Number 6, Kabir Singh. आपको याद होगा कि जब फिल्म कबीर सिंह रिलीज हुई थी तो इसको लेकर ज्यादातर फिल्म क्रिटिक्स के रिव्यूज नेगेटिव थे। काफी क्रिटिक्स को फिल्म पसंद नहीं आई थी, वेयर दे क्रिटिसाइज द लव स्टोरी ऑफ द फिल्म फॉर बीइंग टोटली टॉक्सिक। लेकिन इसके बावजूद भी फिल्म एक मैसिव ब्लॉकबस्टर बनी थी, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द ऑडियंस को फिल्म बहुत पसंद आई थी। मासेस फिल्म में दिखाई गई लव स्टोरी से कनेक्ट कर पाए थे और इसके साथ साथ फिल्म का साउंड ट्रैक भी लोगों में काफी पॉपुलर हुआ था। द फिल्म कलेक्टेड मोर देन 300 करोड़ एट द बॉक्स ऑफिस ओनली बिकॉज ऑफ द वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी बाय द ऑडियंस। साले इतना दारू पिएगा मर जाएगा साले। मेरा घर है, मैं जो करूंगा करूंगा। ये सब चलता रहा तो भूल जाएगा क्या उसको? नंबर 5, तलवार।
मेघना गुलजार डायरेक्टेड फिल्म तलवार एक इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर फिल्म थी जो कि रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर्ड थी। फिल्म का प्लॉट हिंदी सिनेमा के स्टैंडर्ड से काफी पाथ ब्रेकिंग था एंड नो वन वुड हैव थॉट कि ये फिल्म एक बॉक्स ऑफिस सक्सेस होगी। बट थैंक्स टू द ऑडियंस जिन्होंने इस फिल्म को बहुत सपोर्ट किया था एंड इट वॉज बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ दैट द फिल्म बिकेम वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म ऑफ द ईयर 2015। फिल्म ने 30 करोड़ का कलेक्शन किया था विच माइट नॉट सीम टू मच टू यू, पर आपको ध्यान रखना होगा कि फिल्म का बजट 15 करोड़ का था और फिल्म का नैरेटिव मास ऑडियंस के लिए बिल्कुल नहीं था। सो दैट शोज कि फिल्म एक स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस ने देखी थी और उन्होंने ही आगे इसको एक सक्सेसफुल फिल्म बनाया था। सर, किसी भी बेगुनाह को सजा मिलने से अच्छा है 10 गुनाहगार छूट जाए। नंबर 4, फुकरे। फुकरे एक बेस्ट एग्जाम्पल है उन फिल्म्स का जो सिर्फ और सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी से हिट हुई थी। ये एक ऐसी फिल्म थी जिसकी स्टार कास्ट तक के बारे में कोई नहीं जानता था और इसके साथ साथ फिल्म की प्रमोशनल स्ट्रेटजी भी ज्यादा इफेक्टिव नहीं थी, मगर इसके बावजूद भी ये फिल्म एक ब्लॉकबस्टर रही क्योंकि इसे यूथ और कॉलेज गोइंग ऑडियंस ने बहुत पसंद किया था। रिलीज होने के कुछ टाइम बाद ही ये फिल्म सारे कॉलेज स्टूडेंट्स में बहुत पॉपुलर हो गई थी, वेयर एवरीवन वाज सीन रिकमेंडिंग द फिल्म टू देयर फ्रेंड्स। वी आर श्योर कि आपने भी जब पहली बार फुकरे देखी होगी, यू मस्ट हैव रिकमेंडेड दिस फिल्म इन योर सर्कल। नंबर 3, द लंच बॉक्स। द लंच बॉक्स एक इंडिपेंडेंट फिल्म थी जिसमें एक्टर्स इरफान खान और निमृत कौर ने लीडिंग रोल्स प्ले किए थे। ये एक रोमांटिक फिल्म थी जहां पर हमें दो लोगों की बहुत ही अनयूजुअल लव स्टोरी देखने को मिलती है। रिलीज होने से पहले फिल्म की मासेस में बिल्कुल भी हाइप नहीं थी एंड इट वॉज बिलीव्ड कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट नहीं कर पाएगी। हाउएवर, एवरीवन वाज प्रूव्ड रॉन्ग क्योंकि जब फिल्म रिलीज हुई तो इसे क्रिटिक्स से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला और इसी वजह से ऑडियंस ने भी सोचा कि इस तरह की फिल्म को एक ट्राई तो देना ही चाहिए। फिल्म के कलेक्शंस धीरे धीरे ग्रो करने लगे एज मोर पीपल वेंट टू वॉच इट। इट इज बिकॉज ऑफ दिस वर्ड ऑफ माउथ की फिल्म काफी सक्सेसफुल रही और इसने इंडिया में मोर देन 20 करोड़ का कलेक्शन किया। लेट अस टेल यू हियर कि फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ सिर्फ इंडिया में ही लिमिटेड नहीं था, बल्कि इस वर्ड ऑफ माउथ की वजह से ही फिल्म ने US में बहुत ऑडियंस अट्रैक्ट की थी और ग्लोबली फिल्म ने ओवर 100 करोड़ की कलेक्शन की थी। और मेरी मम्मी हमेशा कहा करती थी कि कभी कभी गलत ट्रेन भी सही जगह पहुंचा देती है। नंबर 2, द कश्मीर फाइल्स। द कश्मीर फाइल्स एक हार्ड हिटिंग फिल्म थी जो हमें 1991 में हुए कश्मीरी पंडित्स के एक्सोडस की कहानी दिखाती है। रिलीज होने से पहले फिल्म कई तरह की कॉन्ट्रोवर्सीज में थी ड्यू टू अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल रीजंस। हाउएवर, जब फिल्म रिलीज हुई तो ये लोगों को बहुत पसंद आई और फिल्म को लेकर ट्रेमेंडस वर्ड ऑफ माउथ क्रिएट हो गया था। फिल्म कई वीक्स तक सिनेमा हॉल्स में प्ले हुई थी और फिल्म ने अराउंड 350 करोड़ का बिजनेस किया था। मासूम लड़कों को गाड़ी से बांध बांध कर घसीटा जाएगा और उन पर रेप चार्जेस लगाए जाएंगे तो ये सताए हुए लोग गंजे उठाएंगे। सर, कश्मीरी पंडितों ने तो कभी कोई बंदूक नहीं उठाई, क्यों? नंबर 1, तुम्बाड़। तुम्बाड़ इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द मोस्ट पाथ ब्रेकिंग फिल्म्स में से एक है। ये एक ऐसी फिल्म थी जो हमें इससे पहले इंडिया में तो कभी नहीं देखने को मिली थी। इसको बनाने में मोर देन 15 ईयर्स लगे थे एंड ऑल द हार्ड वर्क वॉज क्लियरली विजिबल व्हेन वी सॉ द फिल्म। अगर हम फिल्म की बॉक्स ऑफिस सक्सेस की बात करें तो तुम्बाड़ इज वन सच फिल्म विच बिकेम अ हिट ओनली बिकॉज ऑफ वर्ड ऑफ माउथ। सिंस ये एक इंडिपेंडेंट फिल्म थी तो इसके बारे में लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। इसके साथ साथ फिल्म में ना ही कोई स्टार था और ना ही इसके प्रमोशंस हुए थे, मगर इस सब के बावजूद तुम्बाड़ एक मैसिव सक्सेस इसीलिए बनी क्योंकि जिसने भी इस फिल्म को थिएटर्स में देखा वो फिल्म से बहुत इम्प्रेस हुआ था और उसने फिल्म को आगे और भी लोगों को रिकमेंड किया। इट वॉज द सपोर्ट ऑफ ट्रू सिनेफाइल्स जिसकी वजह से फिल्म अपने मेकिंग कॉस्ट से 2 times ज्यादा कलेक्शंस कर पाई थी। दिस इज अ बिग अचीवमेंट फॉर अ फिल्म मेड ऑन अ बजट ऑफ जस्ट 5 crores। यही तो गुण है मुझमें। वीडियो खत्म करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर इस वीडियो का रिस्पांस अच्छा रहा तो हम इसका पार्ट 2 भी बनाएंगे एंड इसीलिए वी लुक फॉरवर्ड टू योर रिस्पांस। तो चलिए, दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं @socialofficial, जहां आपको हर तरह की फिल्म और एंटरटेनमेंट से जुड़ी अपडेट्स मिला करेंगी। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए देखते रहिए सोशल, हर उस चीज़ के लिए जो आप जानना चाहते हैं।